देखिए, कांग्रेस की रैली फ्लॉप नहीं बल्कि सुपर फ्लॉप हुई है, और इसी का अंदेशा भी था। 28 वर्षों के बाद कांग्रेस सदाकत आश्रम से बाहर निकली। छोटा मैदान चुनना चाहिए था, अब ताल वाले के बल पर आपने गांधी मैदान में ताल ठोक दिया। गांधी मैदान का एक कोना भी नहीं भर पाए। और कांग्रेस की जो मंशा थी आकांक्षा रैली के नाते कि अपनी ताकत दिखाकर राजद गठबंधन में कुछ सीटें हासिल कर लेंगे, लेकिन अब तो लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में हाल हुआ कांग्रेस पार्टी का, वहाँ सपा बसपा ने गठबंधन से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब आज जो इन्होंने ताकत दिखाया है उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ भी कांग्रेस पार्टी को कहीं राजद गठबंधन बाहर न कर दे। और जहाँ तक राहुल गांधी के भाषण का सवाल रहा, काफ़ी निराश किया राहुल गांधी ने पहले की तरह। तो वो आज की रैली को सुपर फ्लॉप नेता का सुपर फ्लॉप रैली और सुपर फ्लॉप भाषण। ढेर सारी शुभकामनाएं प्रयास कर रहे हैं वो पुनः अपना अस्तित्व बनाने की बिहार में, जहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पूरी तरीके से जनाधार कांग्रेस का समाप्त हो गया और जिस तरीके से पुछ लगुआ पार्टी बनकर कांग्रेस रह गई है, यहाँ पर भी क्षेत्रीय दलों के पीछे लगकर कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रही है, वही हाल उत्तर प्रदेश में भी इन लोगों ने किया है। अगर सही में इनका इतना जनाधार है और जितनी बड़ी ये लोग रैली कर रहे हैं, तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि बिहार में भी ये लोग अकेले चुनाव लड़के दिखाएं, अकेले 400 सीटों पर चुनाव लड़ें, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। नहीं, विपक्ष का तो काम है कि फ्लॉप रैली है। आप लोग खुद उस रैली में रहे होंगे, इसलिए भीड़ कैसी थी क्या थी विपक्ष के नेताओं से ज़्यादा बेहतर मीडिया बता सकता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी ऐतिहासिक रैली आखिर थी। 1989 के बाद राजीव गांधी ने रैली की थी आखिरी ऋषि गांधी मैदान में, और आज लगभग 28-30 साल के बाद कांग्रेस की एक बड़ी रैली राहुल गांधी ने संबोधित किया। उसमें महागठबंधन के सारे नेता मौजूद थे, सारी पार्टियाँ थी, तो एक बड़ी रैली और बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई, और इससे संदेश महागठबंधन का भी बेहतर गया है कि सारे दल एक साथ हैं।